जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारा टूरिस्ट आपको दिख रहा है, तो स्नो भी थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो जिस चीज़ का आपको वेट था वो चीज़ शायद कल परसों तक हो सकती है, और लाइव स्नोफॉल के चांस जो बताए गए थे वो पूरे बन रहे हैं। आप इस साइड भाई दिखा दीजिए, सामने देखिए बिल्कुल मौसम खराब हो चुका है। हो सकता है अगर कल ज़्यादा स्नो मतलब वेदर ज़्यादा ख़राब होता है तो परसों जो 10 तारीख को मैंने बताया था कि स्नोफॉल होगा तो भाई हो ही जाएगा स्नोफॉल, क्योंकि जितना वेदर ख़राब रहेगा उतना स्नोफॉल होने के चांस रहते हैं। तो अगर यहाँ पर बंद हो जाता तो सोलांग वैली में आपको स्नोफॉल देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको मिलाता हूँ अपने सब्सक्राइबर और मेरे दोस्तों से जो यूपी से आए हैं, तो उनके साथ भी बातचीत करते हैं कि उनको कैसा लगा यहाँ पर आके और कैसा यहाँ का वेदर है। तो जय श्री राम मेरे दोस्तों आप सबको। तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया जी, बढ़िया। तो कैसा लगा यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लगा भैया, और भैया से मिल लिया हूँ, भैया से तो और भी अच्छा लगा। बहुत मजा आया, स्कीइंग करी और पैराग्लाइडिंग करी और सारी एक्टिविटी करी, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ओम भाई आपका, जो हमें इतना हमने आपके आपके भी देखने को मिला, भैया ने हमें घुमाया, भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सोच रहे थे कि यहाँ स्नो नहीं मिलेगी, काफ़ी स्नो है एक्टिविटी के लिए, वैसे घूमने के लिए फ़ोटो के लिए काफ़ी है। और एक दो दिन में जैसा भैया ने बताया कि मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है तो स्नो के चांस है, तो आपको स्नो मिलेगी। फिर जब स्नो फॉल होगा स्नो फॉल का मज़ा लीजिएगा फिर। तो आइए हमारे मनाली घूमने का एंजॉय लीजिए। ओके धन्यवाद भाई जी। तो ये देखिए ये है एक्टिविटी वाला ग्राउंड, यहीं पर ही सारा एक्टिविटी होगा आपका, बच्चों को खेलने के लिए भी आगे देख सकते हैं आप। ये है बच्चों को खेलने के लिए, यहाँ पर आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं। ये देखिए एटीवी राइड। और भाई सबसे ज्यादा जो मेन चीज है, देखिए क्राउड कितना है, अभी तो उतना ज्यादा स्नो भी नहीं है फिर भी देखिए क्राउड कितना है, तो बहुत ज्यादा हमारे लिए खुशी की बात है भाई। फिर भी देखिए इतना सारा क्राउड आ रहा है, मनाली सिसु कुक्सर विजिट कर रहा है, तो भाई बहुत ही अच्छा लगता है इतने सारे टूरिस्टों को देख के, खासकर तब जब मुझे अपने सब्सक्राइबर मिलते हैं, मुझे ज़्यादा मज़ा तब आता है। थैंक यू भाई। तो अभी देखिए टाइम 3:30 के करीब है, फिर भी देखिए कितने सारे टूरिस्ट अभी आ ही रहे हैं, कुछ जा रहे हैं कुछ आ रहे हैं, तो कुछ तो बात है भाई स्नो में यार, स्नो होता है भाई मेरे। जितना लोग लाइव स्नोफॉल के चक्कर में होते हैं ना मेरे भाई, तो लाइव स्नोफॉल में क्या होता है कि जैसे आपको वहां पर बैठने के लिए टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि रोड में बर्फ जम जाता है, इस वजह से वो रुकने नहीं देते हैं। तो कई सारी चीजें हैं जो लाइव स्नोफॉल में होती है। तो जब स्नोफॉल होता है उसके एक दो दिन के बाद आप विजिट करो मनाली में, और उसके बाद मज़ा देखो आप, बहुत फ़र्क होता है मेरे भाई लाइव स्नोफॉल। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं उनको तो यही बोलना चाहूँगा कि मेरे भाई लाइव स्नोफॉल के बाद आओ, क्योंकि लाइव स्नोफॉल में आपको उतना देर रुकने को नहीं मिलेगा, ठंड बहुत ज़्यादा होगी, हाथ सुन हो जाएंगे, तो कुछ भी मज़ा नहीं आएगा आपको। हाँ आफ्टर स्नो आप अच्छे से आ सकते हो, बहुत अच्छे से। आई होप कि खुकसर और सिसु में आज लास्ट डे है हमारा, अगर कल स्नोफॉल होता तो फिर तो हम भी नहीं आएंगे, तो परसों को तो ज़्यादा ही स्नोफॉल है, तो फिर उसके बाद सोलांग वैली में ही हम लोग मिलेंगे आपको। गाइस तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि स्नोफॉल हो जाएगा एक दो दिन के बाद। तो अभी हमारे सब्सक्राइबर भी मिले थे, उनको मैं आगे एक्टिविटी करने के लिए छोड़ के आ गया, वो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ मनाली के लिए। तो शाम को मैं लाइव आऊँगा मनाली माल रोड में, तो उस टाइम आपको क्राउड वगैरह सब कुछ दिखा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।